ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से, और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय अंडाल से हुई है। अभी आप वर्तमान में बिहार सरकार में सर्विस हैं जी, किस पोस्ट पे हैं और ये कहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूँ दावत रोहतास की। सर्विस करते हुए और उसको अचीवमेंट किस तरह निकले? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है और सर्विस करते हुए थोड़ा समय कम मिल पाता था, लेकिन टाइम मैनेज करके किसी तरह कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत जो भी हो पाता था 2-3 घंटे पढ़ती थी। जिला प्रशासन में जी बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डीएम सर एंड डीडीसी सर, और बहुत बहुत खुशी हुई। बड़े सपने देखे और सपने ज़रूर पूरा होते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा राय है, मेरे पिता का नाम धर्मेंद्र राय है और मेरी माता का नाम आनंदी राय है। अर्जुनपुर। पापा क्या करते हैं? वो हेड कांस्टेबल हैं आरपीएफ में। कितने भाई हैं? दो भाई हैं छोटे। और आप? जी, सम्मानित कर। मुझे बहुत खुशी है, बहुत आभार है जिला प्रशासन का कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ। आगे क्या संदेश देंगी लोगों? आगे यही संदेश दूंगी कि आपने जो भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए और आपको कभी ना कभी अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। अचीवमेंट के बाद तो लग रहा है लगातार बधाइयों का ताता लगा हुआ है। ऐसे में क्या आपको अनुभव था कि इस तरह हम सम्मानित किया जाएगा? जी, मुझे उम्मीद थी कि मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, पर इतना अच्छा होगा, इतनी बधाइयाँ आएंगी, इसका कभी कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी महसूस करती हूँ अपने आप। डीएम साहब के द्वारा जो सम्मानित किया, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, डीएम साहब से बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला, और बहुत लकी हूँ मैं इस बात को लेकर। एक बार और बच्चों को क्या अपील करेंगे? बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आपका जो भी गोल है, चाहे आप छोटे शहर से हो या कहीं से भी हो, आप अपने गोल को अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सब देखकर मेरा गांव का भी नाम रोशन हुआ, मेरे जिला का भी नाम रोशन हुआ। ऐसे हम बड़े पापा हैं, हमारा जन्म जय रहना हो। कहाँ के? अर्जुनपुर का। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो बिटिया कहाँ शुरू से रही है, गाँव माहौल में रही या शहर में? ना ना, शुरू से ही बाहर रही है, अंडाल पहले रहती थी, वहाँ से फिर कलकत्ता चली गई, वहीं से पढ़ाई शांति निकेतन कॉलेज से की है, और उसके बाद अपना तैयारी की है, घर पे रह गई, बाहर नहीं गई, घर से रह के तैयारी की। सब कुछ घर में कोर्ट के सामने आपके बच्चों को सम्मानित किया गया, जिला प्रशासन का क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये सब देखकर छोटे बच्चे भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी उसी तरह का काम करें, उन लोग का भी हौसला बढ़ेगा। हमारे जिला, क्या नाम है?
जन्मेजय रहे, आपके भाई का धर्मेंद्र रहे। कितने आपके भतीजा भतीजी हैं? दो भतीजा एक भतीजी है। बहुत खुशी है, मेरा नतनी है, खुशी की कोई मन सीमा नहीं है, इतना ऊंचा चली गई है, बहुत हम लोग खेती भारी चीज है। बिटिया तो शुरू से आपके पास नहीं? इसकी माँ ने? हाँ, इसको माँ शहरे में रही, देहात में नहीं। हम लोग कहाँ हैं? हावड़ा में। उसको पढ़ाए हावड़ा में और नानी के साथ बिटिया रहती है? नहीं नहीं, अपना माँ बाप के संग रहती है, पढ़ती लिखती है, कभी काल छुट्टी चमाटी फंक्शन वक्शन में आती है। बेटिया को यह पढ़ाने में गाइडलाइन यही करती थी ना? नहीं करते हैं, तो इधर उधर रहते थे। क्या नाम है आपका? सितवांत मिश्रा। नहीं नहीं, देखिए बक्सर ज़िले के लिए बहुत खुशी का मौका है कि बक्सर ज़िले की दो बेटियों ने, जिसमें से एक ने दूसरी रैंक और एक ने 374वीं रैंक यूपीएससी की इतनी कठिन परीक्षा में प्राप्त की है, वाकई में पूरे ज़िले के लिए और उनके परिवार के लिए तो स्वाभाविक रूप से बहुत गर्व की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो उदाहरण हमारी बक्सर की जो दोनों बेटियों ने प्रस्तुत किया है, इसी का अनुकरण बाकी भी पूरे ज़िलेवासी करें और बाकी जो हमारे बच्चे हैं जो बक्सर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, जो हमारे बच्चे हैं जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो भी इनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाएँ और ये मुमकिन करके दिखाएँ कि यदि इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्पित यदि कोई बच्चा हो तो कोई भी मुसीबत कठिन नहीं है, कोई भी जो है रास्ता कोई दूर नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए क्या आप इस्लाम बच्चे एस्पिरेंट्स के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी नई नई परीक्षा में जिन बच्चियों ने पास किया है वही अपना यदि अनुभव साझा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। परंतु फिर भी मैं सभी एस्पिरेंट्स से यही अपील करूँगा, यह अनुरोध करूँगा कि कोई भी रास्ता कठिन नहीं है, सभी के पास सीमित संसाधन है, आप उन संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करें और अपना मुकाम हासिल करें यही तय करता है कि आप उस परीक्षा में सफल होंगे या विफल होंगे। सबसे बड़ी बात करूँगा सेल्फ स्टडी करके से इस मुकाम तक पहुँचा। आजकल के ज़माने में देखिए जो एक तरीके से कह लीजिए कि कोचिंग का क्रेज़ बना हुआ है, जिससे अनावश्यक रूप से बहुत सारे बच्चे मेंटल प्रेशर में भी आ जाते हैं और बहुत सारे मतलब उस तरह के कदम भी उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। उस समय में दोनों बच्चियों ने जो सेल्फ स्टडी करते हुए और बिना कोचिंग लिए हुए जो ये मुकाम हासिल किया है, वाकई में बहुत ही प्रेरणादायी है और काबिल तारीफ है। Thank you.